सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफ़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अलाहाबाद बैंक की नेट बैंकिंग करना, वो भी बिना बैंक गए हुए। यस फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिना बैंक गए हुए अलाहाबाद बैंक की नेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर चलना है और एक ऐप इंस्टॉल करना है, एम पावर इलाहाबाद। इस ऐप से पहले हम टेम्प्रेरी यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे, देन उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी होंगी, बट किसी में भी ये नहीं बताया गया कि कैसा बिना बैंक गए हुए अलाहाबाद बैंक की नेट बैंकिंग ऑन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, एम पावर इलाहाबाद। तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ, ये वाला ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है, ये वाला। तो देखिए ये वाला ऐप है, इसकी रेटिंग 4.0 एंड 100,000 डाउनलोड है। तो मैंने तो ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो जस्ट इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं और ये ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर आपको क्लिक करके आगे रजिस्टर करना है। यहाँ से रजिस्टर करने के बाद आपसे सिम सिलेक्शन पूछेगा, तो जो भी आपका नंबर बैंक में रजिस्टर्ड हो उस पर आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो ये भी प्रोसेस में है। तो ये यहाँ पे शो हो रहा है कि हमें इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें एंटर करना है, बट हमने अभी तक बनाया नहीं है। तो टॉप पे आपको दिख रहा होगा डेबिट कार्ड, इस पर हमें क्लिक करके हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे अपने अकाउंट की कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी है, जैसे अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट और मंथ और एक्सपायरी। तो चलिए सबसे पहले हम अपना अकाउंट नंबर एंटर कर लेते हैं, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये मैं अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद कार्ड की लास्ट की 6 डिजिट आपको एंटर करनी है। तो हम यहाँ पे कार्ड के लास्ट 6 डिजिट एंटर कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको मंथ और एक्सपायरी एंटर करनी है। तो मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हम वेट कर लेते हैं। तो ओटीपी मेरे को आ गया है, मैं यहाँ पे ओटीपी एंटर करके कन्फर्म ओटीपी पे क्लिक करूँगा। तो जो भी ओटीपी आपके पास आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हम एंटर कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको 4 डिजिट का एम पिन सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपको इजी रहे याद रखने में वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए, 4 डिजिट का पिन। उसके बाद आपको सेम पिन नीचे भी एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एम्पावर ऐप, डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग। तो यस पे क्लिक करके हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये देखिए हमारा टेम्प्रेरी यूज़र आईडी बना हुआ है, हमें सिर्फ न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड आपका अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे कंफर्म लॉगिन पासवर्ड डालना है दोबारा, जो आपने सेम ऊपर एंटर किया। इसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करके आगे सबमिट करना है यहाँ से। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका ये ऐप इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये देखिए, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर अलाहाबाद इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। तो चलिए हम इसका एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं, जो हमने 4 डिजिट का एम पिन बनाया था, मैं वहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो ये ऐप अभी लॉगिन हो रहा है, ये प्रोसेस में है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली ऐप हमारा ओपन हो गया है, एम्पावर अलाहाबाद बैंक। तो चलिए मैं आपको एक बार गूगल पे ले चलता हूँ, और जो हमने टेम्प्रेरी यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया उसको हम चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे अलाहाबाद बैंक की वेबसाइट को ओपन करेंगे, और जो भी हमने टेम्प्रेरी यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया
वो यहाँ से हम चेंज करेंगे। वेबसाइट है www.allahabadbank.online। तो हम बैंक की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए अलाहाबाद बैंक की वेबसाइट। तो इस बैंक की वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होगा, पर्सनल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग, ये रहा। तो आपको पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करना है यहाँ से। देन इसके बाद आप नीचे आ जाइए। तो नीचे आने के बाद आपको शो होगा कंटिन्यू टू लॉगिन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद जो भी आपने टेम्परेरी यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हम यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड चेंज करना मैंडेटरी है, तभी हम जाके लैपटॉप पे पीसी पे इसको प्रॉपरली लॉगिन कर पाएंगे। तो हम यूज़र आईडी एंटर कर लेते हैं जो हमारा बना था। देन इसके बाद हम पासवर्ड एंटर करेंगे। तो ये यूज़र आईडी मैंने एंटर कर लिया है। अब यहाँ से पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो हम सबसे नीचे आ जाते हैं और एग्री पे क्लिक कर लेते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी बड़ी है, तो नीचे आ जाते हैं हम। तो यहाँ एग्री पे क्लिक कर लेते हैं हम। इसके बाद ये पेज आ गया जहाँ पे हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड चेंज करना है। तो देखिए ऑलरेडी यूज़र आईडी आ रहा है जो हमने अभी यहाँ पे एंटर किया था, ये रहा न्यूमेरिक में। देन इसके बाद आपको प्रेफर्ड यूज़र आईडी क्रिएट करना है, जो भी आप चाहते हैं बनाना, तो जो भी आपको ईजी रहे याद रखने में वो यहाँ पे एंटर कर लीजिए। यूज़र आईडी आपका अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक होना चाहिए, तो मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। तो जो ऑलरेडी आपका पासवर्ड है जो हमें अपने बनाया था वो यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। देन इसके बाद आपको न्यू पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ से आप न्यू पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड भी आपका अल्फ़ाबेट विद न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जो भी आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड में एंटर करेंगे, सेम पासवर्ड आपको री एंटर न्यू पासवर्ड भी डालना है यहाँ पे। देन इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए सक्सेसफुली हमने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड चेंज कर लिया है, और नेक्स्ट टाइम से यही यूज़र आईडी हम लॉगिन कर पाएंगे लैपटॉप पे पीसी पे। तो चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। हम इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ से और दोबारा लॉगिन करके देखते हैं। तो ये रहा पर्सनल बैंकिंग। तो आप नीचे आ जाइए, वही सेम कंटिन्यू टू लॉगिन, और यहाँ पे जो आपने नया यूज़र आईडी बनाया है वो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं हम। देन उसके बाद हम पासवर्ड एंटर करेंगे। तो हम पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये रहा लॉगिन। तो ये देखिए आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया अलाहाबाद बैंक की नेट बैंकिंग। ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं, अकाउंट सर्विस, पेमेंट एंड फंड ट्रांसफ़र, तो नीचे भी देख लेते हैं हम, अकाउंट डिपॉजिट, IMPS, ATM सर्विस। तो इस तरह से आप अपने लॉगिन कर सकते हैं अपने अलाहाबाद बैंकिंग में। इसके बाद आप कहीं पे भी पीसी में लैपटॉप में इजीली लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम मोबाइल ऐप पर चलते हैं अलाहाबाद बैंक के ऐप पर और आपको दोबारा लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर आपको वही 4 डिजिट का MPIN डालना है जो आपने बनाया था, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से एंटर कर लेते हैं हम, सबमिट पे लॉगिन करते हैं इसको, ये प्रोसेस में है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी लॉगिन हो गया है और टॉप पे आपको बैलेंस दिख रहा होगा जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस है। एंड अगर आपको लास्ट 5 ट्रांजेक्शन देखनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो भी आपकी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन होगी वो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ये सारी ट्रांजेक्शन, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन।
तो चलिए एक बार हम वापस चलते हैं और इसके कुछ बैंकिंग ऑप्शंस देखते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये आपके कुछ बैंकिंग ऑप्शंस हैं जहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप अलाहाबाद बैंक की नेट बैंकिंग यूज़र आईडी और पासवर्ड खुद से क्रिएट कर सकते हो। आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन पे ही सारा काम कर सकते हो और इसके बाद आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे इसको सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस ऐप के बारे में पूरा रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन पिन बनाते हैं, कैसे आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है, फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, पूरा रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसे आप अपने अदर फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी नेट बैंकिंग ऑन कर सके बिना बैंक गए हुए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ऐप के पूरे रिव्यू के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे रेड कलर का बटन है, इसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Thank you so much, friend. Thank you for watching my this video.